अस्सलाम वालेकुम, एक और वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में भी हम इंटरेस्टिंग 30 इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? व्हाट डिड आई डू? व्हाट डिड आई डू? दूर ले जाइए इसे। टेक हिम और हर अवे। हिम कहेंगे लड़के के लिए, हर कहेंगे लड़की के लिए। टेक हिम अवे मतलब इस लड़के को दूर ले जाओ। टेक हर अवे मतलब इस लड़की को दूर ले जाओ। नहीं देखना मुझे इसे। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम। लड़के के लिए हर कहेंगे हम लड़की के लिए, जैसे आई डोंट वॉन्ट टू सी हर, आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम और आई डोंट वॉन्ट टू सी हर। कैसी बातें कर रहे हो? वॉट आर यू सेइंग? वॉट आर यू सेइंग? इसका क्या कसूर है? वॉट इज़ हिज फॉल्ट? वॉट इज़ हर फॉल्ट? लड़की का होगा, ठीक है। वॉट इज़ हर फॉल्ट और वॉट इज़ हिज फॉल्ट? क्या देख रहे हैं आप? वॉट आर यू लुकिंग एट? वॉट आर यू लुकिंग एट? याद है तुम्हें? डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? इसे अपने सीने से लगाओ। हग हिम क्लोज। हग हर क्लोज लड़की के लिए, लड़के के लिए होगा हग हिम क्लोज। इसे सीने से लगाओ। एक पल में सब कुछ खो दिया। आई हैव लॉस्ट एवरी थिंग इन अ मोमेंट। मोमेंट कहते हैं लम्हे को। आई हैव लॉस्ट एवरी थिंग इन अ मोमेंट। मैंने एक लम्हे में सब कुछ खो दिया। याद नहीं दिलाया आपने उन्हें? डिडंट यू रिमाइंड हिम? डिडंट यू रिमाइंड हिम? मुझे सिर्फ इतना याद है कि आई जस्ट रिमेंबर दैट। I just remember that. मैंने अपनी ज़ुबान दी है। I have given my word. I have given my word. और मर्द की एक ही ज़ुबान होती है। And a man is true to his word. And a man is true to his word. पता नहीं। I don't know. I don't know. इस दुपट्टे को मत मोड़ो। Don't twist this scarf. Scarf कहते हैं दुपट्टे को। Twist का मतलब होता है मोड़ना। Don't twist this scarf. ये फांसी का फंदा है। दिस इज़ द रोप ट्रैप। रोप ट्रैप कहते हैं फांसी के फंदे को। दिस इज़ द रोप ट्रैप। पूछोगे नहीं कि किसके लिए? वॉन्ट यू आस्क फॉर होम? वॉन्ट मतलब विल नॉट, ओके। वॉन्ट यू आस्क फॉर होम? प्यार किया तो डरना क्या? इफ़ यू लव देन वॉट इज़ टू फियर? इफ़ यू लव देन वॉट इज़ टू फियर? वैसे भी तुम्हें कुछ भी कहना फजूल है। एनी वे सेइंग एनी थिंग टू यू इज़ यूजलेस। Anyways, saying anything to you is useless. Useless कहते हैं फजूल, ठीक है। ये तो वक्त ही बताएगा। Only time will tell. Only time will tell. ये मेरा मान है, गुरूर है। He is my trust, my ego. Ego कहते हैं गुरूर को, trust कहते हैं मान को, एतमाद को। कोई है? Is someone there? Is someone there? तुम ठीक तो हो ना? Are you fine? Are you fine? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? Did you get hurt? Did you get hurt? Get hurt कहते हैं getting hurt, चोट लगने को, ठीक है। Did you get hurt? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जले तो नहीं तुम? Did you get burned? Burned कहते हैं जलने को। Did you get burned? तुम जले तो नहीं? मत ले मेरा नाम। Don't take my name. Don't take my name. तुमने मेरे साथ धोखा किया है। You have cheated me. You have cheated me. कोई मुझे नहीं रोक सकता। No one can stop me. No one can stop me. मुझे जाने दो। Let me go. Let me go. पता है क्यों? यू नो वाई? यू नो वाई? ऐसे ही उर्दू से इंग्लिश इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो अगली वीडियोस आने वाली हैं तो जैसे ही वो अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक उसी वक्त पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।